पूरे हिंदुस्तान के लोग होली के रंग में रंगमय हो जाते हैं और इस होली के पर्व में छोटे से बड़े व बूढ़े भी इस त्यौहार को खूब खुशी के साथ मनाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर एक ऐसा गांव भी है जो होली नहीं मनाता और अगर कोई भूलवश भी इस गांव में होली मना ले तो बड़ी कठिनाइयां पड़ जाती हैं। जी हाँ, ये कहानी है बिहार के मुंगेर जिले से लगभग 50 से 55 किलोमीटर दूर मुंगेर असरगंज गांव की साजवा पंचायत के सती गांव की। बता दें कि इस गांव के सभी लोग 200 सालों से आज तक होली नहीं खेलते हैं। बूढ़े बुजुर्गों की माने तो पूरे 2 साल पहले इस गांव में ही सती ने अपने पति के साथ होली के ही दिन चिता पर जली थी और सती गांव में लगभग 1500 से अधिक लोग हैं, जिसमें यादव, लाला, धानुक, कोयरी ये सब समुदाय के लोग जो हैं रहते हैं। बता दें कि बूढ़े ग्रामीणों की माने तो गांव में एक पति पत्नी रहते हैं। होली के दिन पति की मृत्यु हो जाती है तो गांव के लोग पति के दाह संस्कार के लिए शव को लेकर जाने लगते हैं, लेकिन शव अर्थी पर से बार बार गिर जाता है। इधर पत्नी को लोग घर में बंद करके रखे हुए होते हैं। बता दें कि जब गांव वालों ने पत्नी को घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकाला तो पत्नी दौड़कर पति के अर्थी के पास पहुंचकर कहती है कि हम भी अपने पति के साथ जलकर मरेंगे। और ये बात सुनकर गांव वालों ने गांव में ही चिता को तैयार कर दिया तभी अचानक पत्नी के हाथों के छोटी उंगली से आग निकल जाती है और उस आग से पति पत्नी की चिता जो है जल जाती है। बता दें कि कुछ दिनों के बाद आप रूपी उसी जगह से जमीन के अंदर से पति पत्नी की मूर्ति जो है निकल पड़ती है। ग्रामीण लोग ने इसको देख साथ ही मंदिर का निर्माण कर दिया। अगर कोई ग्रामीण छुप के अपने घर में होली के दिन पुआ पूरी या होली खेलते हैं तो उस घर वालों को कोई ना कोई संकट का सामना करना पड़ता है या फिर उस घर में किसी कारणवश आग लग जाती है। ये सब देखकर ग्रामीण लोगों ने होली का त्यौहार मनाना बंद कर दिया और गांव का नाम भी सती रख दिया है। ये मेरे गांव सती स्थान है, इन्हीं के नाम से गांव का नाम पड़ा हुआ है। इनका कहानी हम लोग अभी पूर्वों को जो ने बताया आपको को उमर दास सब आदमी बताया, लेकिन इन लोग को कहने पर हम लोग भी सुने हुए हैं, इतिहास हम लोग भी देखे हैं, बाकी नहीं बताया जो सुने वो पढ़े हैं। इनका कहानी यह है कि इसने हम लोग जो सुनते आ रहे हैं, इसने कहा इनके पति मर गया, इसके पत्नी ने उसको जाने के लिए नहीं दिया गया, तो उसने अपने कहा नहीं हम भी जाएंगे तो साथ में जाएंगे। ये कहानी 250 साल का कहानी है, अभी भी कोई इसको पता नहीं है। इसलिए जब वो अपने पति को ले जा रहा था तो वो अपने पत्नी ने कहा नहीं ले जाने देंगे, इसका हम अपने पास से ही रख लेंगे, नहीं तो हम भी सती हो जाएंगे। यह कारण से वो अपने केरी उंगली से आगे निकाला, आज जल के दोनों भस्म हो गए। इसके बाद उसकी बच्ची की कहानी आई तो बच्चे की कहानी को कहा था जिस दो समाज में रहता है, तो बोला कि मेरे बच्चे को किसी ने कोई भी गोईठा घाटी कवाला मैंने नौकरी मत करने देना, अगर जो होता ना गोबर का तला अति होता है उसको करने मत दो। तो जितना दिन रहा बच्ची जीवित रही वो सब ठीक था, लेकिन अंतिम अंतिम में वो जिसके पास रह रही थी वो भी भुगतान भोगी, कि कितना दिन उनको बैठ के खिलाएंगे, और उनको मना कर दिया था कि मेरे बच्चे ये काम ना कर सकें। जब वो नहीं कर पाई तो अपना बेटी को भी वो साथ में ले ली। ये आंखों रूपी देखा सबकी कहानी है, इसलिए माँ पति पत्नी का स्थान अलग है, बीच में उसकी बच्ची का भी स्थान आप रूपी आ चुका। तो होली के ही दहन में घटना हुआ था, इसीलिए ये होली में हम लोग गांव का आदमी होली मनाता नहीं है। और ये होली का महत्वपूर्ण सबसे बड़ी बात है कि जब होली का दहन होता है, फागुन का महीना चलता है, तो पूरे महीना किसी के घर में कोई पकवान नहीं पकता है, जैसे कि तेल में आलू का भूज दे या तेल में या पकौड़ा भूज दे, कोई घर में नहीं खाता है, इसलिए पूरे महीना टोटली बंद। तो हम लोग होली का दहन मनाते हैं कब, विशुआ में मनाते हैं 14 अप्रैल, इसको हम लोग पहली बैसाख बोलते हैं। गांव में कितने आबादी होंगे? गांव में कम से कम हो जाएगा आपका आबादी 450 के 500 के ऊपर। किसी के घर में नहीं मनाया? किसी के घर पर नहीं, दो बार घटना हो चुका है तो भगवान ने सती माँ ने उसका दिखावा दिखा दिया है, उसी के डर से। सती थे इसी गांव के हैं क्या? सब इसी गांव के, जिसमें जात है बहुत, 4 किस्म का जात है, उसी के नाम पर ये मंदिर बनाया है। उसी के नाम पर मंदिर बनाया, उसी के नाम पर गांव भी बसा हुआ है। माँ सती का मंदिर है, ये पति पत्नी दोनों है, पति पत्नी उनकी लड़की समय था, और जब माँ जो है सती माँ जब जिस समय डेट की थी उस समय इसको अंदर में मैंने रूम के अंदर बंद कर दिया,
और पति को उनके जो है साथ ले जा रहे थे लाश के आके, लेकिन जो है यहाँ पर फिर रखा गया इसको। तो इसी में उसकी पत्नी जो है उसकी कंगली पति के उंगली से आगे उठा, पत्नी उसी में जो है सती हो गई, इसलिए इसका नाम सती माँ पड़ा। होली क्यों हम बोलते हैं सर? उसके बाद होली जो है, होली उसके मरने उसके सती होने के बाद उसी समय से होली यहाँ पर नहीं मनाया जाता है। अगर कोई मनमानी ढंग से कोई चाहे कि हम होली के समय होली के दिन ये होली माँ में हम अपना यहाँ पर पूरा पकवान बना के खाएंगे तो ये बहुत मुश्किल है, उसके घर में आग लग जाता है हमेशा। हाँ, इसमें सती माँ के गाँव के सती स्थान गाँव के अंदर कोई भी पूरा पकवान नहीं बना सकते। कितने सालों से नहीं मनाया जा रहा? ये तो जो है करीब डेढ़ पौने दो साल से, 200 साल से नहीं मनाया जाता है। हमारे पूर्वज वो नहीं मनाते थे। तो जब से इनकी पति डेट किया था तब से इनकी मतलब इसी के नाम से पति का जब मान के रंथी ले जा रहे थे तो उस समय रंथी पर से ही लाश गिर जाते थे और पत्नी को घर में बंद किया था। पत्नी भी जब उसको देखा कि अब नहीं जाएगा तो पत्नी को घर से बाहर खोला, उसका केवाड़ी खोल दिया, उसको लाया गया रंथी जहाँ पर रखा हुआ, हुए कहे कि हम भी इसी के साथ जलेंगे। तो लोग समाज आ जाने लगा तो इनको ये सोचा कि भाग जाएगा, तो वो नहीं हुआ। इसी जगह उनको जो घर का पोस होता है ठाट होता है उस समय उस ठाट को उठा करके लगा कि यदि ये रंथी से भाग जाता है तो जलवा होगा तो कहीं पर किसी को लोग को फंसा देगा, इसलिए उसको छप्पर को रखा था कि इसको जब भागेगा तो छप्पर से दाब दिया जाएगा। उसी के हाथ से आगिन उठे, पत्नी के हाथ से ही आगिन उठे उंगली कंगड़िया उंगली से, किसी ने आगिन उसको नहीं दिया और वो सारा जल करके राख हुआ हो गया। उसी दिन से किसी ने भी चाहा कि नहीं हम अपना फरवरी महीना या फागुन महीना में पुआ बनाएंगे तो उस समय से बंद कर दिया। किसी के घर में आग लग गया तो लोगों ने जला के पूछा कि क्यों आग लगा, तो बोला कि मैं पकवान बना रहा था इसलिए आग लगा। फिर किसी तरह से देवता ही कोई उसमें आकर के बोला कि ये फागुन महीना में आप लोगों को पुआ मत बनाना है, उसी से लोग परहेज करना। और जो एक दो बार जैसा हुआ कि लोग नए पीढ़ी में आने के बाद भी सोचा कि हम पुआ बना के खाएंगे, उसके घर में भी उसी तरह से आग लग। अभी से आप लोग होली नहीं मना, इसलिए अभी कोई नहीं, किसी गांव के तक में भी किसी किसी कास्ट तक के भी आदमी ने होली नहीं मनाते। इन इसी की जो है जिस भी घर से है उसी के घर में नहीं, पूरे किसी जात का हो कोई नहीं।